please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये आप नहीं क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी की छवि को खत्म करना चाहते हैं क्या अगर आप कहते हो अगर आपका ये कहना है के अलग अलग झंडों से देश टूटता है मैं आपकी बात से अगर सहमत हूँ तो आप ये सवाल क्योंकि आपको इंटरव्यू नहीं मिलता है आपको अलाउ नहीं करते आप ये सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे कि जो श्यामा प्रकाश मुखर्जी शहीद हुए जो गोलवलकर साहब कहे गए एक देश एक निशान नहीं चलेगा एक देश एक निशानी चलेगा उस प्रधानमंत्री ने दो निशान के सामने वह शपथ ग्रहण क्यों किया और क्यों मुफ्ती साहब से गले मिले ये सवाल आप प्रधानमंत्री बीजेपी से पूछा है बीजेपी के पास कोई जवाब भी हो क्या आप आपको बीजेपी के चाहते हैं? कश्मीर में स्पेशल स्पेशल प्रोविजन प्रोविजन है है और वो कांग्रेस के मुखिया ने बिताया तीन सौ सत्तर का प्रोविजन मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था वो राष्ट्र दो थ्योरी के जिम्मेदार थे क्या ऐसे हालात बने थे कि इस देश के अंदर जब यह होना चाहिए था एक एक राष्ट्रगान एक झंडा और एक कानून तो हरि सिंह के नाम पर क्यों अलग से वहां पर बना रंजीत सिंह सेक्शन और रंजीत सिंह क्यों कश्मीर के अंदर अलाउड हुआ मैं जिम्मेदार जनता पार्टी मुखर्जी साहब या कौन जिम्मेदार थे कौन थे जिसने दो राष्ट्र की थ्योरी को माना जिन्होंने रंजीत सिंह पीनल कोड को माना उसके जिम्मेदार कौन थे ये भी तो बता दीजिए आप क्यों नहीं नाम लेने से डर रहे हो कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का उस वक्त का जो शीर्ष नेतृत्व था वो तैसीन, का जिम्मेदार था जिसको पूरा भुगत तैसीन, क्योंकि कामकाज का लेखा जोखा ना पूछा जाए क्योंकि कर्नाटक तमाम पैरामीटर्स में देश में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो आप मामले को कम्युनराइज कर रहे हैं आप मामले को डिवाइड कर रहे हैं अगर यज्ञ करती है बीजेपी आज बीजेपी अच्छा। की एक विंग गा, गाय के नाम अच्छा। पर गौरक्षा के नाम पर तो यह कांग्रेस पार्टी जो जनोधारी थी गुजरात के चुनाव में दो महीने पहले वो आज कहती कि बीजेपी काला जादू कर रही है गाय रक्षा के नाम पर यह ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का जो बीके प्रसाद ने कहा लाइन में जवाब दे देता हूँ जी आप इसके बाद जवाब दीजिएगा देता हूँ मैं एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूँ इसका जवाब सिर्फ यही है कि यज्ञ जो कर रही है बीजेपी उसको कोई नहीं रोका उनको पूरा अधिकार है करने का कांग्रेस को अधिकार है इस पर ऑब्जेक्शन लेने का या नहीं लेने का या राजनीति करने का लेकिन मैं बीजेपी से और सुधांशु जी से ये सवाल करते अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये यज्ञ उन्होंने गोवा में क्यों नहीं किया जहाँ पर गाय माता को खाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर इनकी सरकारें क्यों नहीं किया कश्मीर में क्यों नहीं करते ये और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर क्यों नहीं करते ये यज्ञ आके सिर्फ उत्तर कर्नाटका जहां पे चुनाव जीतना चाहते वहां पर क्यों करते और और एक बात मैं आपके साथ और जी के साथ जिस दिन आप कह दो डिबेट के लिए तैयार हो कर्नाटका वर्सेज गुजरात हर फैक्ट के ऊपर हर डेवलपमेंट फैक्ट के ऊपर मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए आप ये डिबेट अरेंज कीजिए मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं